Hey guys, in this video we will discuss about tokens or basic building blocks of a C program. So let's start. So firstly, let's discuss about what we have to do when we want to learn English language. So firstly, we have to learn about alphabets. From alphabets, we will make words, then sentences, and finally we will make paragraph. So just like that, for learning C language, we have to follow a procedure. That is, firstly, we have to learn alphabets, digits, symbols, and from group of these digits, symbols, and alphabets, we will make tokens, then statement, and finally we will make program. So जब हमें English language सीखनी होती है तो हमें बेसिक स्ट्रक्चर जो फॉलो करना होता है वो ये होता है कि पहले हम सीखते हैं अल्फाबेट्स, उनके ऑर्गेनाइज कलेक्शन से हम बनाते हैं वर्ड्स, वर्ड्स से बनता है सेंटेंस और ग्रुप ऑफ सेंटेंस से बनता है पैराग्राफ। तो बिल्कुल उसी तरह सी लैंग्वेज सीखने के लिए हमें सीखना होता है अल्फाबेट्स, डिजिट्स और सिम्बल्स, इनके ग्रुप से हम बनाते हैं टोकन्स, ग्रुप ऑफ टोकन से बनता है स्टेटमेंट और फाइनली हम बनाते हैं प्रोग्राम। तो बेसिकली डिजिट्स क्या है? डिजिट्स जैसा कि हमने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है, 0 से 9 तक 10 डिजिट्स होते हैं हमारे पास और इन्हीं डिजिट्स के ग्रुप से हम बनाते हैं अलग अलग नंबर। अल्फाबेट्स होते हैं हमारे पास 26 अल्फाबेट्स होते हैं ए टू लेकर जेड तक, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो फैसिलिटी होती है, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स की। बात करें सिम्बल्स की, तो सिम्बल्स को हम स्पेशल सिम्बल्स भी बोलते हैं जो कि हमारे कीबोर्ड पर अवेलेबल होते हैं, जैसे कि डॉलर, परसेंट, हैश, कर्ली ब्रैकेट, पैरेंथेसिस वगैरह। ये तो इन सभी की मदद से हम बनाएंगे टोकन्स। सो वी हैव 10 डिजिट्स 0 to 9। फ्रॉम दीज डिजिट्स वी विल मेक डिफरेंट नंबर्स। वी हैव 26 अल्फाबेट्स बोथ इन स्मॉल केस एंड कैपिटल केस, एंड फाइनली वी हैव सम स्पेशल सिम्बल्स लाइक डॉलर, हेस, पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रैकेट। सो फ्रॉम दीज वी विल मेक टोकन्स। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट इज टोकन। Tokens are smallest individual units in program. A program is a well organized collection of several tokens. So we can use tokens as a basic unit of a program. And tokens are created using character set. तो हमारे पास language के अंदर जो character set होता है उससे हम बनाते हैं token. Token को हम इस तरह ले सकते हैं कि जो सबसे छोटी बेसिक यूनिट होती है प्रोग्राम की वो होती है टोकन। तो अब आते हैं हम टोकन के टाइप पे। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टोकन्स लाइक कॉन्स्टेंट, देन आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स एंड सेपरेटर्स। सो फर्स्ट एक कॉन्स्टेंट। व्हाट इज अ कॉन्स्टेंट? एन एंटिटी दैट कैंट बी चेंज्ड। तो जो एंटिटी की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते वो होता है कॉन्स्टेंट। हमने फिजिक्स में पढ़ रखा है वेरिएबल और कॉन्स्टेंट के बारे में। जो वेरिएबल हम जिसे वेक्टर भी बोलते थे, जिसकी क्वांटिटी टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज होती थी, और कॉन्स्टेंट जो टाइम के साथ चेंज नहीं होता था, तो वही हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। कॉन्स्टेंट वो होता है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। इन प्रोग्रामिंग एवरी वैल्यू इज ए कॉन्स्टेंट। तो बात करें प्रोग्रामिंग की, हर वैल्यू एक कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट को हम लिटरल्स भी बोलते हैं। तो अब कॉन्स्टेंट किस किस टाइप से अवेलेबल है हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर हम देखते हैं। फर्स्ट आता है इंटीजर। तो इंटीजर कॉन्स्टेंट वो होता है जिसके अंदर कोई भी डेसिमल पॉइंट हम यूज नहीं करते और इसे हम पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास डेसिमल। नंबर सिस्टम हम सब ने पढ़ रखा है। नंबर सिस्टम के अंदर 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स होते हैं डेसिमल में। ऑक्टल की बात करें तो 0 से 7 और हेक्साडेसिमल की बात करें तो 0 से लेकर 15, टोटल 16 होते हैं हमारे पास। अब एग्जांपल की बात करें, रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो डेसिमल को हम शो करते हैं सिंपल नंबरिंग से, 1, 2, 3 और कुछ भी। ऑक्टल को हम स्टार्ट करते हैं 0 से और हेक्साडेसिमल को स्टार्ट करते हैं 0x से। तो एग्जाम्पल देखते हैं, 0 से लेकर 9 तक तो हेक्साडेसिमल के अंदर हम वैसे ही यूज करते हैं, लेकिन 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, 11 को करते हैं बी से और इस तरह से 15 को करते हैं एफ से। तो ये है हमारे पास इंटीजर कॉन्स्टेंट। नाउ जस्ट लुक ऑन रियल कॉन्स्टेंट। व्हाट इज रियल कॉन्स्टेंट? एनी नंबर
which contain decimal point, also called as floating point value. So we have many numbers, like we use fractional form, like 1, 2, 3, 5, 6, etc. So these are called as real constant. We can also call them as floating point value. They can also be positive, negative and zero. We have two forms to represent real constant. First form is fractional form, like this, for a negative value -1.2, and second form is scientific or exponential form. In scientific form, we will use mantissa or exponential part. So what is mantissa part? The part before the point is called as mantissa part. Here too is mantissa, and the part preceded with e stands for exponential. So this is called as exponential part. This is exponential part and this is mantissa part. So now just move on to third constant, third integer constant. We have single character constant. Third constant is single character constant, in which we have to use single quote, individual character in single inverted comma, like a, any symbol. We have some exception. तो हमारे पास कुछ exception है. अब क्योंकि single character constant हमें single inverted comma में देना होता है, तो अब backslash n की बात करें, तो यहाँ पर backslash और n, अब आपको लग रहा हो कि ये तो दो character है जो हम single quote के अंदर दे रहे हैं, तो ये exception होता है, ये treat होता है एक ही constant की तरह, जो कि हमें new line देने का काम करता है. backslash t एक tape देता है और backslash भी provide करवाता है backspace. तो ये होता है एक्सेप्शन है कुछ सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट में. जो भी सिंगल कैरेक्टर हम दे रहे हैं वो हमें देना होगा सिंगल कोट के अंदर, नहीं तो ये एरर जनरेट करेगा. नेक्स्ट आता है हमारे पास स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट. तो एनीथिंग इन डबल इन्वर्टेड कोमा, तो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमने जो कुछ भी लिखा है वो सभी एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होती है, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि वो सिर्फ सिंगल लाइन में टर्मिनेट होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखा हेलो गाइज, तो ये एक स्ट्रिंग है, लेकिन अगर मैंने लाइन चेंज कर दी तो जो गाइज है मेरा सेकंड लाइन में आ रहा है, तो ये एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट नहीं होगा. तो फर्दर जैसे हम ग्रुप का यूज कर सकते हैं, जैसे स्पेशल सिंबल मैंने यूज किए डॉलर, रिमाइंडर, अल्फाबेट्स है मेरे पास, ऐसे डिजिट्स भी हम डाल सकते हैं. डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो कुछ भी एक ट्रीट होगा स्ट्रिंग की तरह. तो नेक्स्ट आता है हमारे पास टोकन आइडेंटिफायर. सो व्हाट इज ए आइडेंटिफायर? It is the name that we use in our program. Name given to identify variable, function, pointer and arrays. तो जब हम C program के अंदर variable, function, pointer, arrays बनाना सीखेंगे तो हम use करेंगे identifier का. तो identifier क्या है? Basically कुछ भी नहीं है, सिर्फ किसी चीज़ को identify करने के लिए दिया गया नाम है. तो हमारे पास कुछ rules है C के अंदर identifier create करने के लिए. So first rule है, वी कैन यूज कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, अल्फाबेट्स एंड अंडर स्कोर. तो हम सिर्फ डिजिट्स, अल्फाबेट्स, अंडर स्कोर का ही यूज करेंगे आइडेंटिफायर बनाने के लिए. दूसरा रूल है, ओनली अंडर स्कोर इज अलाउड टू क्रिएशन ऑफ आइडेंटिफायर. तो अगर हम बात करें स्पेशल सिम्बल्स की, तो सिर्फ अंडर स्कोर को ही हम आइडेंटिफायर क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं और किसी भी स्पेशल सिम्बल को यूज नहीं कर सकते. तीसरा रूल है हमारे पास, वी कैन स्टार्ट आइडेंटिफायर नेम स्टार्टिंग विथ डिजिट. हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं आइडेंटिफायर नेम को. चौथा है, आइडेंटिफायर कैन बी स्टार्ट विथ अल्फाबेट्स एंड अंडरस्कोर. तो सिर्फ दो ही चीज़ों से हम आइडेंटिफायर का नाम स्टार्ट कर सकते हैं, पहला है अल्फाबेट और दूसरा है अंडरस्कोर. और कीवर्ड जो है, कीवर्ड कैन बी आइडेंटिफायर, कीवर्ड आइडेंटिफायर नहीं हो सकता है. कीवर्ड के बारे में हम अभी पढ़ेंगे कुछ ही देर में, तो कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं ताकि आइडेंटिफायर हमें क्लियरली सब समझ आए. पहला जैसे मैंने बनाया वेयर, ये सिर्फ आइडेंटिफायर मैंने यूज किया है, तो क्या ये आइडेंटिफायर की तरह ट्रीट हो सकता है? तो रूल है हमारे पास, अल्फाबेट्स को हम यूज कर सकते हैं आइडेंटिफायर से, और वी जो अल्फाबेट है उससे आइडेंटिफायर स्टार्ट हो रहा है तो ये ट्रू है. फिर मैंने कहा था डिजिट से आइडेंटिफायर स्टार्ट नहीं हो सकता, तो अगर मैं 5 यूज करूँ, 5 वेयर, तो ये रॉन्ग है. तीसरा मैंने बोला था आइडेंटिफायर को यूज कर सकते हैं हम स्पेशल सिंबल के रूप में, तो ये ट्रू है. और अंडरस्कोर से स्टार्ट भी हो सकता है आइडेंटिफायर, तो ये भी ट्रू है. तो आई होप आइडेंटिफायर आपको सही से समझ आया होगा. नाउ जस्ट मूव ऑन टू कीवर्ड्स. व्हाट आर कीवर्ड्स? दीज आर सम प्री डिफाइंड वर्ड्स.
every language have some predefined words or reserved words. That work is predefined in programming language. So every language has some predefined words whose work is predefined in its own language. So in C we have all keywords and all are in small case. तो कीवर्ड कुछ ऐसे प्रीडिफाइंड वर्ड्स है हमारे पास जिनकी फंक्शनिंग जिनकी वर्किंग है वो लैंग्वेज में प्रीडिफाइंड होती है. तो उन कीवर्ड्स को हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे. बेसिकली सी के अंदर 32 कीवर्ड होते हैं. सी हैज 32 कीवर्ड्स एंड ऑल आर इन स्मॉल केस. तो एग्जांपल है कीवर्ड्स के जैसे ऑटो ब्रेक केस केयर कॉन्स्ट कंटिन्यू ऐसे करके वोलेटाइल वाइल ये सब. तो बारी बारी जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे सी के अंदर बारी बारी से सारे कीवर्ड्स का डिस्कशन करेंगे हम. तो हम बढ़ते हैं चौथे टोकन की ओर जो कि है ऑपरेटर्स. तो लेट्स डिस्कस अबाउट मैथमेटिक्स. फॉर एग्जांपल आई हैव टू एड 10 एंड 5. सो व्हाट विल आई यूज? आई विल नॉट यूज मल्टीप्लाई, आई विल नॉट यूज डिवाइड एंड आई विल नॉट यूज सब्सट्रैक्शन. आई विल ओनली यूज एड बिकॉज आई हैव टू एड 10 एंड 5. So what is plus? Plus is treated as operator. So these are used to perform some specific manipulation between operands. Now what are operands? Operands are those entities between which we perform operators. So 10 plus 5. Here 10 and 5 are operands and plus is operator. So operator वो होता है जो दो operators या multiple operators के बीच ऑपरेंड्स के बीच अपना टास्क परफॉर्म करता है. जैसे मुझे 10 और 5 का एडिशन चाहिए तो मैं प्लस जो यूज कर रहा हूँ वो ऑपरेटर है, 10 और 5 ऑपरेंड है. सो द सी ऑपरेटर जॉइन इंडिविजुअल कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल टू फॉर्म एक्सप्रेशन. तो हम बात कर रहे हैं वेरिएबल और कॉन्स्टेंट. कॉन्स्टेंट हमने पढ़ रखा है. वेरिएबल वो होता है जो किसी भी वैल्यू को होल्ड करता है. फर्दर हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियोज में. तो वेरिएबल और कॉन्स्टेंट का ग्रुप मिलाकर बनता है एक्सप्रेशन. जैसे कि यहाँ पर देखिए a प्लस बी मल्टीप्लाई 5. सो हियर a एंड b आर वेरिएबल्स एंड 5 इज कॉन्स्टेंट एंड दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन. सो वी हैव फर्दर मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स. हियर वी हैव हियर आई मेंशन्ड द सम ऑफ ऑपरेटर्स लाइक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड रिमाइंडर एक्सेट्रा रिलेशनल ऑपरेटर और कंपेरिजन ऑपरेटर दीज देन असाइनमेंट ऑपरेटर लॉजिकल बिटवाइज साइज ऑफ कंडीशनल इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. सो दीज ऑपरेटर्स वी विल डिस्कस इन डिटेल इन अपकमिंग वीडियोज. सो दीज आर ऑपरेटर्स. नाउ जस्ट मूव ऑन टू सेपरेटर्स. दिस इज द लास्ट टोकन, लास्ट टाइप ऑफ टोकन. These are used to separate tokens. So for example, int. Int is a data type. तो data type बनाया मैंने int type का. data type भी हम further पढ़ेंगे कौन कौन से data type है C के अंदर. फिर मैंने दिया space और लिखा a कोमा b. एक और example लेते हैं. मैंने बनाया high फिर दिया space. तो ये जो space और comma जो है वो treat होते हैं separator की तरह. तो दो इंडिविजुअल टोकन को जो सेपरेट करने का काम करते हैं वो होते हैं सेपरेटर्स. तो ये है हमारे पास बेसिक टोकन्स सी लैंग्वेज के अंदर जिन्हें हम यूज करने जाएंगे प्रोग्रामिंग के लिए. तो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड जस्ट रिवाइज दीज टोकन्स बिकॉज दीज आर वेरी नेसेसरी टू क्रिएट अवर फर्स्ट सी प्रोग्राम. सो थैंक यू गाइज एंड इफ यू वॉन्ट टू लर्न द होल सी लैंग्वेज प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड जस्ट बी विथ मी. Thank you guys.